अगर किसी ने ईंट फेंक दिया और वहां पे एस्बेस्टस टूट गया, फूट गया, छेद हो गया, तो पानी तो टपकेगा। दूसरा कारण, यहां पे देखें, एक कमरे में यहां पे जोर है और इस जोर पर ढाल कम होने की वजह से, ये बाहर की दीवार है और ये अंदर की दीवार, तो दोनों में ढाल कम होने के कारण से पानी का रिसाव होना शुरू हो गया। यहां से इस जोर पर से, इस जोर से पानी रिटर्निंग आना शुरू हो गया। मतलब ये कि जोर पर पानी आने का रिटर्निंग कारण ये कि इसका ढाल मिस्त्री कम कर दिया। इसको हम दूर से अगर दिखा तो ऐसा दिखता है कि ये ढाल कम होने के कारण से पानी अगर कहीं थोड़ा रिटर्निंग आ जाता है तो वो एक समस्या बन जाती है। और आप देखेंगे कि आज बारिश हुई थी, बारिश हुई थी और पानी का रिसाव आ गया और देख रहे हैं गीला है, जमीन नीचे गीला है। अब ये पंखा है, पंखा के नीचे ही टपकना शुरू हो गया, पानी रिसाव होना शुरू हो गया, तो समस्या बन जाती है। तो इस निदान के लिए हमने बहुत प्रयास किया और इस प्रयास में सफल हम हुए। ऑनलाइन हम सर्च करना शुरू किए और कुछ यूट्यूब पर सर्च किए तो जाके हमें मिला, कुछ दिखा और वही टेप, वही तो ये हमें टेप यह मिला। और इस टेप को अब हम इसी जोर पर ऊपर से लगभग कहा जाए एक एक फीट का टुकड़ा बनाकर और उस बीच में हम चिपकाएंगे और फिर तब देखेंगे उसके बाद कि हमें सफलता कितनी मिलती है। तो चलते हैं छत पे। तो हम आ गए हैं छत एस्बेस्टस के ऊपर, एस्बेस्टस के ऊपर आ गए हैं। इसको हम टेप इसको लगते हैं और हाँ ये हुआ टेप में टेप। यहाँ से ये देखिए स्टील सिल्वर कलर का है और चौड़ाई आप देख सकते हैं मेरा ये 7 अंगुली, देख लीजिए 7 अंगुली चौड़ा। अगर इसको हम यही मानते हैं तो इसको हम करेंगे क्या, ये जितने साइज का ये जोर है करीब ये जोर, और इस जोर पर चूँकि इसमें हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, इसमें हम इसमें वाइट सीमेंट आता है तो हम पहले प्रयास किए, चूँकि देख सकते हैं यहाँ ये कि ढाल बहुत कम है यहाँ से वहाँ तक में, और पानी जब ज़्यादा वेव आता है बारिश में तो ये रिटर्निंग आ जाता है और अंदर आने लगता था। तो इसका पहला प्रयास हम किए ये कि वाइट सीमेंट को बना कर इसमें बंद किए, तो लगभग 50% कवर हो गया, लेकिन 50% तो रह गया और नीचे वो परेशानी का सबब हो गया था। दुकानदार को भी हम जब पूछे इस बातचीत के लिए तो वो भी इनकार कर गया। और उसके बाद तब अपने से हम देखे YouTube पर ही सर्च किए तो हमें यह मिला और इसको लाए और बताया जा रहा सही, हम प्रयोग करके देखते हैं। तो इसमें हम चूँकि गड्ढा भी ना हो, वर्षा भर ना हो, इसके लिए वाइट सीमेंट हम दे दिए हैं। अब इस पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पकड़ लो इधर, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, ये साइज ये हम ले लेते हैं, ये साइज यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसको हमने काट लिया इस टुकड़े को। अब इस टुकड़े को काट के यहाँ पे इसको हम चिपकाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो ये जितना भर हमें देना था उतनी लंबाई का हम काट लिए और यहाँ से इसको हम इसको अब क्या करेंगे, इसे अब चूंकि इससे ये गोल टाइप का है तो इसे अब इससे इसको प्रयास करेंगे कि ये पूरा चिपक जाए। ये बेलना है लेकिन आप चाहे तो पाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन पाइप में पकड़ ग्रिपिंग नहीं आएगी, वजन नहीं आएगी, इससे ये ग्रिपिंग आ जाएगी और इसको हम देखेंगे क्या स्थिति है। खाना था ही। अब चूंकि देखिए इसमें एक तो अंदर, आप अंदर का भाग हम जैसे दिखाएं, ये जरा देखिए
यहाँ पे कि अंदर का भाग, ये अंदर का जो है इसका गोंद है या जो भी है ये है, लेकिन ऊपर से ये सिल्वर का एक प्रोटेक्शन है, वाटर प्रोटेक्शन, इसमें धूप पानी सबों से बचाया जाएगा। और अंदर यूँ एक तरह से कहें कि इस जॉइंट पर अब ये वाटर प्रूफ ये हमारा हो गया पूर्णतः। और इस जोर पर हम यहाँ से वहाँ क्रम से करेंगे और इसको देखते हैं करके। फिलहाल एक मेरा, अब इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ फट जाता, ये फट जाता तो यहाँ भी हम इसको इसको हम इस तरह से हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। और ये चूँकि बताने का मेन मकसद ये है कि जहाँ से हम ये एस्बेस्टस लाए थे उन सभी दुकानदार, यहाँ तक कि डीलर को, इस चीज़ का जो डीलर था उनसे भी पता किए, यह नहीं उन्हें पता ही नहीं था यह होता भी है। तो वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा ये है कि हम शहरी क्षेत्र में नहीं हैं, बिल्कुल सुदूर गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पर एस्बेस्टस का ही प्रयोग होता है। ज़रा सा देखें, घुमा के ज़रा सही आस पास ही देखें, पूरा एस्बेस्टस हो गया। तो एस्बेस्टस का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें अगर कोई बच्चा ढेपा फेंक दिया, ईटा ईट फेंक दिया और फट गया तो फिर परेशानी का सबब हो जाता है। हालांकि इसका कीमत क्या है वो भी हम बताएंगे। और ऑनलाइन हम मंगाए, इसको आप वही विधि देखें कि ये हम इसको चिपकाए और इसमें पूर्णतः कर दिए। फिर अब अगेन अगेन हम लोग करते चलेंगे इसको अच्छी तरीके से, जो साइड से कहीं वाटर लीकेज ना हो। और उम्मीद करते हैं कि समस्या से निजात हमें मिले, तो हम इसको करते हैं। तो हम पहले इस साइज का कई टुकड़ों में काट लेते हैं, फिर तब देखते हैं। ये आपको पूरा सका होना चाहिए, चुकी यही चीज़ यहाँ इधर अंदर जाएगा। ये चीज़ बुकी से फट गया था, वैसे बुरा नहीं माना, फट गया था एक और परेशान भी। हाँ वो कहीं लगता, चलिए अभी रुक जाओ। इससे पानी नहीं घुसेगा ऊपर से, पतला सा कटेगा ऐसे दे दीजिए इसे जोड़ पर ठीक होंगे। इसमें फिर बना लीजिए, तो ये हम टेप को चिपका दिए अब। और अब देखते हैं बारिश के बाद पानी का स्राव होता है या नहीं, लेकिन ये बैठ जाइए, लेकिन ये आसान तरीका मुझे लग रहा है। और ये इस पर सिल्वर का कोट है, नीचे रबर जैसा गोंद है वो जो चिपक चुका है। और इसको हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह इस कोर को, जैसे ये हम इसको चिपका दिए करके, इस कोर को अच्छी तरह से हम इसको दबा दिए। तो ये था व्यवस्था और उम्मीद करते हैं कि ये हमें अच्छा परिणाम देगा। तो बारिश के बाद, इसके बाद जो बारिश होगी उसके बाद हम कुछ अंश दिखाते हैं। और इसका हम पुनः यह बात दोहराना पसंद करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो
आप लाइक जरूर करें, अगर और अच्छा लगे नए दर्शक जो हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आप बेल आइकन निश्चित दबा लें ताकि आपको त्वरित रूप से जानकारी हो सके। तो आइए वीडियो बनाते हैं। एस्बेस्टस के ऊपर से नीचे आ चुके हैं और इसका डिटेल देखते हैं। ये आपके पास डिटेल है और ये देखें इसका कीमत भी है और आप इससे परचेजिंग कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। लेकिन ये मुख्य रूप से हम बता दें कि यह एस्बेस्टस, जिनके घर के ऊपर एस्बेस्टस, और हम लोग देसी भाषा में एलिवेस्टर बोलते हैं, एलिवेस्टर या एस्बेस्टस स्टैंडर्ड भाषा में, कि उनमें अगर प्रॉब्लम हो तो इसका उपाय ये है। यहाँ तक कि यहाँ के लोकल दुकानदार या डीलर, उनको भी जानकारी नहीं है। हम इस बात का प्रूव है कि हम लोकल सभी मार्केट में ढूंढ लिए, नहीं मिला, ये आखिर ऑनलाइन पर उपलब्ध हुआ। और ये काफ़ी बेहतरीन स्टिकर है, स्टिकर ही कहें, ये टेप है, बेहतरीन टेप है, आप चिपका दें और आपका सीधा रफ एंड टफ वर्क काम करें, वर्क होगा। थैंक यू, बाय।